दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी कॉल आए, काफ़ी फ़ोन आए और कई बहनों, माताओं और कई भाइयों ने पूछा कि साहब हमारे गैस कब्ज एपच की समस्या बहुत ज़्यादा होती है और मुंह का टेस्ट नहीं आता है। तो ये फिर मैंने इसका रिसर्च किया और काफ़ी मेरे पुराने वैद्य बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने इस चीज़ का मेरे को नुस्खा बताया कि ये बहुत शानदार और घरेलू नुस्खा है, इसका आप घर में आराम से उपयोग कर सकते हैं। हर कोई भी आदमी इसका उपयोग कर सकता है, चाहे गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे सामान्य हो। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि हर्बल चटनी में आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, यानी कौन कौन सी सब्जी लेनी है। दोस्तों ये देखिए पुदीना, ये पुदीना है, आप इस तरह से पुदीने को घर में लगा लीजिए दोस्तों, आपके लिए शानदार काम हो जाएगा। पुदीना, दूसरा धनिया, तीसरी अदरक, चौथा लहसुन और पांचवा मिर्च। मिर्च में लाल मिर्च नहीं दोस्तों, ध्यान रखना लाल मिर्च खतरनाक होती है, लाल मिर्च का उपयोग कम करें जिनको पेट से संबंधित समस्या है, कोई दिक्कत है आपको। मिर्च में काली मिर्च या हरी मिर्च, अगर आपको अच्छी हरी मिर्च लगती है तो हरी मिर्च का उपयोग करें, अगर आपको हरी मिर्च ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है तो आप काली मिर्च का उपयोग करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और अब आपको हींग का उपयोग करना है दोस्तों, हींग को डाल दीजिए, आपकी ये हर्बल चटनी शानदार हर्बल चटनी बन जाएगी। और जब इसका पहला ग्रास लेकर फिर खाना स्टार्ट करोगे, खाना खाना शुरू करोगे, आपके मुंह का टेस्ट शानदार हो जाएगा और आपके पेट से कब्ज, एपच, गैस की समस्याएं तुरंत दूर हो जाएगी। मित्रों आपके खाने का मजा आ जाएगा, जहां पांच रोटी खा रहे हो वहां सात रोटी खाओगे, ये मेरी गारंटी और 100% सत्य है। दोस्तों एक बार इस हर्बल चटनी को बना के आप घर पर खाइए, आपके मुंह का टेस्ट शानदार हो जाएगा और आपके गैस, कब्ज, एपच, उबाग, इन समस्याओं से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों मैं मेरी माता और बहनों को कहना चाहता हूँ कि ये चटनी घर पर जरूर बनाएं और अपने बच्चों को और अपने पति, अपने सास ससुर, अपने परिवार के सदस्यों को जरूर खिलाएं ये हर्बल चटनी, ताकि उनको पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो कृपया करके मेरे वीडियो के नीचे कॉमेंट्स लिख दे, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। दोस्तों धन्यवाद।